नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स देखो, देसी देख बिगर ब्रेक पगड़ लाग लगे बिल्कुल देसी अंदाज में। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलने की तैयारी कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी की राह पे चलने की तैयारी बीएसपी कर रही है। जाता रहे, बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सांसद और केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतार कर 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करी है। वही तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लोकसभा चुनाव में नयो प्रयोग करने को मन बना लियो है। बीएसपी ने बीजेपी की राह पकड़ ली है और 2024 के नया यही रणनीति पर काम करने वाली है। और माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में भी कछु यही तरह को प्रयोग करने वाली है। बीएसपी ने 2024 के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि यह बार उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बड़े चेहरे को उतारने की योजना बनाई जा रही है। यह लेके पार्टी कछु खास सीटन के लिए बड़े चेहरे के चयन में लग गई है। बीएसपी या नए प्रयोग के जरिया कैडर में नया संदेश देना चाहे ताकि मैदान में बड़े चेहरे को उतार के कार्यकर्ता में जोश भरने को काम करा जा सके। बीएसपी सबसे पहले बिजनौर सीट को लेकर मंथन कर रही है। यह सीट पे ही साल 1989 में चुनाव लड़के मायावती लोकसभा में पहुंची ही और यह बात वो बिजनौर सीट पर अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है। यही तरह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को कानपुर या अकबरपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारने को प्रोग्राम बना रही। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को अवध से या पूर्वांचल के कई सीट पर चुनाव लड़वाने के लिए मंथन चल रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखो गया है कि बीएसपी को ग्राफ लगातार नीचे गए हुए। जहां पहले बीएसपी प्रदेश की मजबूत पार्टी ही, वहीं अब बाकी राज्य में पकड़ कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी सुप्रीमो मायावती बड़े चेहरन को चुनाव लड़वा के छोटे कार्यकर्तन में जोश भर के किलो फतेह करने की तैयारी में जुटी है। देखो जा तो कि नयो प्रयोग करके एक तरह से बीएसपी बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। आपको क्या सोचना है बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। और अगर खबर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फोन में घुसा दो। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के नहीं आते ऐसी देख बिगर ब्रेक पगड़ लाग लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।